सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल रिव्यू बाजार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुपरस्टार जॉन अब्राहम की फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, और जानने वाले हैं दोस्तों कि इन दोनों ही सुपरस्टार्स में किसकी फिल्म ने अपने पहले दिन मारी है बाजी और कौन रहा है आगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं, देखते रहिएगा पूरा वीडियो। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बॉक्स ऑफिस से जुड़ी हर अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2018 में अक्षय कुमार और जॉन अब्राहम की फिल्मों का क्लेश हुआ था, जिसमें दोस्तों गोल्ड और सत्यमेव जयते आमने सामने थी। इन दोनों ही फिल्मों ने दोस्तों अपने पहले दिन काफ़ी आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया था, और जहां अक्षय कुमार की फिल्म गोल्ड ने लगभग 25 करोड़ रुपये से ज़्यादा की ओपनिंग ली थी, वहीं दोस्तों जॉन अब्राहम की फिल्म ने लगभग 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग ली थी। यानी कि दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों में काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन था और इन दोनों ही फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी आउटस्टैंडिंग बिजनेस किया था। दोस्तों, उसी तरह से यहां पर इस साल भी इन दोनों ही सुपरस्टार्स का एक बार फिर से क्लेश हो चुका है, जिसमें अक्षय कुमार की फिल्म है मिशन मंगल और जॉन अब्राहम की फिल्म है बाटला हाउस। बता रहे चले दोस्तों आपको कि अक्षय कुमार की जो फिल्म है मिशन मंगल, वो कि एक स्पेस ड्रामा फिल्म है, वही दोस्तों बाटला हाउस है एक एक्शन थ्रिलर फिल्म। यह दोनों ही फिल्में दोस्तों रियलिटी के ऊपर बनाई गई है, जिसमें अक्षय कुमार सर की फिल्म मिशन मंगल को बनाया गया है इंडिया के मिशन मार्स के ऊपर, वही दोस्तों बाटला हाउस को बनाया गया है 2008 में हुए बाटला हाउस एनकाउंटर के ऊपर। तो अगर बात की जाए इन दोनों ही फिल्मों के कंपैरिजन के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि यहाँ पर मिशन मंगल को लगाया गया है लगभग 3,300 स्क्रीन्स पर, वहीं दोस्तों बाटला हाउस को रिलीज किया गया है लगभग 2,800 स्क्रीन्स पर। इस तरह से दोस्तों, ये दोनों ही फिल्में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6,100 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। अब बात कर ली जाए दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के स्टार कास्ट के बारे में, तो बताते चले आपको दोस्तों कि यहाँ पर मिशन मंगल में सुपरस्टार अक्षय कुमार के साथ नजर आई है विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी और तेलुगु एक्ट्रेस नित्या मेनन। वही दोस्तों उनका साथ दिया है शर्मन जोशी ने भी। इस तरह से दोस्तों, ये एक महिला ओरिएंटेड फिल्म है जिसमें सुपरस्टार अक्षय कुमार ने लीड रोल किया है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर हम लोग इस फिल्म के डायरेक्टर की, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है जगन शक्ति ने। बात की जाए दोस्तों यहाँ पर बाटला हाउस की, तो बाटला हाउस के दोस्तों लीड में आपको दिखाई दिया है जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर और शाहिदुर रहमान। साथ ही में दोस्तों उनका साथ दिया है इस फिल्म में रवि किशन ने। वहीं दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है निखिल आडवाणी ने। प्रोड्यूसर है दोस्तों इस फिल्म के टी सीरीज, वहीं मिशन मंगल को प्रोड्यूस किया है फॉक्स स्टार हिंदी ने। अब बात कर ले दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि इन दोनों ही फिल्मों की एडवांस बुकिंग संडे से ही शुरू हो चुकी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि मिशन मंगल ने 2019 की अभी तक की सबसे बेस्ट एडवांस बुकिंग हासिल की थी, और इस फिल्म ने लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा कमाई अपनी सिर्फ एडवांस बुकिंग से ही कर ली थी। वहीं अगर बात करें बाटला हाउस की, तो बताते चले दोस्तों आपको कि जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस भी किसी से कम नहीं है, और दोस्तों इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 8 करोड़ रुपए की एडवांस बुकिंग हासिल कर ली। यानी कि दोस्तों, यह फिल्म सुपरस्टार जॉन अब्राहम के कैरियर की अभी तक की सबसे बेस्ट ऑक्यूपेंसी और एडवांस बुकिंग हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी थी। वहीं दोस्तों अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल भी उनके कैरियर की हाईएस्ट एडवांस बुकिंग हासिल करने वाली फिल्म बन चुकी है। इस तरह से दोस्तों, इन दोनों ही फिल्मों के पास एक रिकॉर्ड तो बन ही चुका है। अब बात कर ली जाए दोस्तों इनकी आज की ऑक्यूपेंसी के बारे में, तो बताते चले दोस्तों आपको कि अक्षय कुमार की फिल्म को आज मॉर्निंग से ही 85% की ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है, जो कि उनकी पिछली फिल्म केसरी से कहीं ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर बाटला हाउस की, तो दोस्तों बाटला हाउस को भी बॉक्स ऑफिस पर लगभग 65% की ऑक्यूपेंसी हासिल हुई है। इस तरह से दोस्तों यहां पर ऑक्यूपेंसी के मामले में तो सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म ने मार ली है बाजी। आफ्टरनून ऑक्यूपेंसी दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की काफी आउटस्टैंडिंग रही है, जहां पर मिशन मंगल ने अपने आफ्टरनून में शो दिखाए हैं 100% के, वहीं दोस्तों बाटला हाउस के आफ्टरनून शो रहे हैं 85% के। शाम के शो दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के हाउसफुल रहे हैं। इस तरह से देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पर दोनों ही फिल्मों ने अपने पहले दिन काफ़ी अच्छी ओपनिंग हासिल की है। रिव्यूज़ की बात की जाए तो दोस्तों, रिव्यूज़ दोनों ही फिल्मों को काफ़ी अच्छे आए हैं। सुपरस्टार अक्षय कुमार की फिल्म मिशन मंगल को दोस्तों ऑडियंस ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं, और ये फिल्म इस साल की सबसे बेस्ट फिल्म बताई जा रही है। वहीं दोस्तों बात करें बाटला हाउस की,
तो दोस्तों बाटला हाउस भी जॉन अब्राहम के करियर की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक बताई जा रही है। दोस्तों दोनों ही फिल्मों में डायरेक्शन भी काफ़ी शानदार है। अब बात कर ली जाए इन दोनों ही फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, तो बता रहे चले दोस्तों आपको कि जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस ने अपने पहले दिन कमाए हैं लगभग 16 करोड़ 30 लाख रुपये। वहीं अगर बात करें मिशन मंगल की, तो दोस्तों मिशन मंगल ने जॉन अब्राहम की फिल्म बाटला हाउस से डबल कमाई की है और अपने पहले दिन दोस्तों मिशन मंगल कमा रही है लगभग 31 करोड़ 30 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों यहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार एक बार फिर से जॉन अब्राहम के ऊपर भारी पड़ चुके हैं और इन दोनों ही फिल्मों के क्लेश में मिशन मंगल हो चुकी है आगे। वहीं अगर बात करें दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस की, तो दोस्तों आपको बता दें कि ओवरसीज में जॉन अब्राहम की फिल्म ने अपने पहले दिन कमाए हैं लगभग 4 करोड़ 80 लाख रुपए। वहीं दोस्तों बात करें मिशन मंगल की, तो मंगल ने दोस्तों अपने पहले दिन कमाया है लगभग 9 करोड़ रुपए। इसी के साथ दोस्तों वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मिशन मंगल का पहले दिन का जो कलेक्शन है वो होता है लगभग 45 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें यहां पर बाटला हाउस की, तो दोस्तों बाटला हाउस का जो पहले दिन का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो होता है लगभग 24 करोड़ रुपए का। इस तरह से दोस्तों यहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से विनर साबित हो चुके हैं और ये बात साबित हो चुकी है दोस्तों कि यहां पर सुपरस्टार अक्षय कुमार और सुपरस्टार जॉन अब्राहम में अक्षय कुमार के जो फैंस है वो ज़्यादा है। तो दोस्तों आपको इन दोनों ही फिल्मों में कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद आई आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इन दोनों ही फिल्मों की जो लेटेस्ट बॉक्स ऑफिस अपडेट्स है उन्हें जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।